हमारी दुकान शिफ्ट हो रही है। इतने में भैया तो फैल चुके तोलू ठेले वाला। तोलू अच्छा ठेला चला सकता है ये हमने समझ लिया है, अब इसको ले जाना तुम अपने साथ। हाँ, अब अपन धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करेंगे और अपन फिर आगे जाके पैसा ही पैसा होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ऐसे शिफ्ट मतलब ऐसा स्टार्ट हो रहा है कि आज हमारी दुकान शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट मतलब घर से दुकान में जा रहा है अब सामान। तो ये देखो सारी रैगे मैगे लगी यहाँ पर, कैमरा साफ कर लूँ पहले। हाँ तो अब साफ हो गया है। तो देखो ये रैगे है ना निकल रही हैंगी, दो बाहर लगा चुकी हैंगी रैके। ये देखो एक ये लग बाहर रख दी, एक ये वाली रख दी और दो ये और जाएंगी। और ये देखो इतना सारा सामान है पूरा दुकान का, ये जाएगा। तो बस अब वही शिफ्ट कर रहेंगे जल्दी जल्दी। भैया झाड़ू लगा के साफ कर रहा है उसको। अम्मा हंस रही भैया है देख के। और पता है मेरा अभी तक वो कल वाला ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ है, तो वो एडिट करना है। मैं बता रहा हूँ आज बहुत लेट डलने वाला है ब्लॉग अपना, तो लेट आएगा आज का ब्लॉग है ना। और अभी तो बस यही कामों में लगे। तो ये सारी रह के लेके पहले तो अपन दुकान पे पहुँचते हैं। आई जी देख सकते हैं भैया उठा रहा है, बॉडी बिल्डर साहब भी उठा रहा है। देखो कितनी बॉडी है, ओ भाई बॉडी बिल्डर, ओ भाई कितनी ज्यादा भाई है। ये लो बॉडी बिल्डर, चलो जान दो बॉडी बिल्डर। अरे यार ये टेढ़ी हो गई है, ऐसा पकड़ना कैसे। अरे यार तू बाइक पे ले चल भाई, यार बाइक पे कैसे जाएगी, बाइक पे गिरोड़ जाएंगे हमारे पापा जी। बाइक पे तो और उल्टी नहीं जा पा रहे, ऐसी करके जा पाएंगे बाइक पे तो और नहीं जाएंगे। ओ ये वीडियो रिकॉर्डिंग बराबर नहीं निकल रही, बंद कर। तो गाइस अभी तो दुकान पहुंच के मिलते हैं। तो गाइस इतने में भैया तो फैल चुके हैं। कितनी सी दूरी बची गाइस, ये वाली दुकान है हमारी नई वाली। हाँ उठा रहे ले पकड़ रहे ब्लॉग बना। तो गाइस आप देख सकते हो अपन तो पहुंच रहे फटाफट, ये दोनों बॉडी बिल्डर आएंगे। वो है हमारी दुकान, अभी चल रहा है दुकान के अंदर और ये आ रहा अपने बॉडी बिल्डर। अभी रखाएंगे दुकान के अंदर। गाइस आ चुके हैं और ये हमारी छोटी सी दुकान है नई वाली। ये देखो बहुत छोटी दुकान है, पहले बड़ी थी अब लेकिन छोटी कर ली अपन ने। अब अपन धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करेंगे और अपन फिर आगे जाके पैसा ही पैसा होगा। क्या तोलू क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो बस अब नई दुकान स्टार्ट हो रही है, साहू अंकल के घर के सामने ही हमारी ये दुकान नई वाली। देखो ऐसी कुछ है स्टार्टिंग में, दिखा दे रहा हूँ। पूरा ब्लॉग शूट होगा हमारी दुकान का गाइस, पूरा ब्लॉग शूट होएगा। तो ये दो रेगो तो आ चुकी हैं अभी फिलहाल, भैया सब झाड़ू वाड़ू लगा रहेगा, बाकी की भी और रेगे ले आते हैं ये, उसके बाद मिलते हैं अपन। गाइस ये देखो ऐसे अपन ने ये दो रेगे तो लगा दी, अब बाकी की रेगे और ले आते हैं। गाइस घर पे भी आ चुके हैं, अब ये वाली घोड़ी उठा के ले जा रहे हैं और एक वो वाली, ओ सॉरी रह गए घोड़ी नहीं घोड़ी कह रही हूँ नहीं चलो। तो गाइस ये दोनों रह गए भी आ चुकी हैं, बस अंदर लगा रहे हैं अब इसको आराम से। तो लो भैया ये वाली रैग भी यहाँ पर अपन लगाए दे रहे। एक नंबर सेटिंग बन चुकी है और यहाँ पर लगा देंगे अब ये वाली रैग, यहाँ पर लगा देंगे। चलो लगा देते हैं पहले। तो गाइस काउंटर भी रखे आए थे और ये भैया ये वाली रैग निकाल रहा है, मैंने ये वाली रैग ऊपर रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में बग रोना हो रही थी। तो बस ये वाली निकाल रहा है रैग भैया। भाई क्या क्या तो निकल रहा है पाइप में, ये भगवान सब अंदर भरा था उसके मेरे ख्याल से रैग के।
तो गाइस पूरे घर में ऐसा कचरा मच चुका है ना, आप देख ही रहे होगे, आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरे घर में अच्छा खासा कचरा हो चुका है। अब ये सब साफ हो जाए फिर मैं कुछ करता हूँ। चलो पहले मैं भैया की रैग उतरवा लेता हूँ। गाइस तोलू हमारी मदद करते हुए तोलू ले जा रहा है, तोलू ठेले वाला। ये भैया तोलू मान गए, तोलू मान गए यार, रैग उठाते लेके जाते हुए पूरे भाई तक ले जाना है तोलू अपन को। देखना कार में मत मार देना, कार में से बाहर, कार से बच के तोलू अच्छा ठेला चला सकता है ये हमने समझ लिया है। अब इसको ले जाना तुम अपने साथ। हाँ भैया तोलू ने ना एकदम फुल ट्रेनिंग में ठेला चलाने वाली। तोलू के भैया हाथ दुखने लगे हैं, अब तोलू बहुत जल्दी जल्दी चल लाएगा। तोलू का भाई मोलू भी आ चुका है गाइस, इसका नाम मोलू है, इसका नाम तोलू है। ले आया ले आया ले आया, ये बाड़ी लाइट वेट। तार तोलू को एक 10 रुपए की ट्रीट। चलो अब इसको और रख देते हैं। ये देखो काउंटर रखा ही चुका है, रैग भी ये वाली लग गई और ये तीनों भी लग गई हैं अपनी। अब ये वाली रैग और अंदर रख देते हैं अपन। खास लो खास लो। चलो इसको और रख देते हैं अंदर। तो गाइज अभी फिलहाल तो मैं घर पे आ गया था और अब मैं अपने आगे का काम स्टार्ट करूंगा स्केच, क्योंकि वो दीदी का है ना, बस एक आध दो दिन ही बचे हैं, वहाँ पर भी जाके देना है दीदी को। तो फिलहाल मैं आगे का स्टार्ट करूंगा और देखो कितना कवाड़ा करके रखा है। अब जाके ये वाली रैग और ये वाली रैग यहाँ से हट गई हैं, तो अब अपने पास खूब फैल के जगह मिल जाएगी अपन को। और देखो पूरा घर में कवाड़ा कवाड़ा हो रखा है, क्योंकि अभी दुकान शिफ्ट हो रही है तो सब सामान इधर उधर हो रखा है। तो ये भी अपन बाद में शाम के टाइम साफ करेंगे, और इससे पहले पहले मैं अपना वीडियो एडिट करके ब्लॉग अपलोड करूँ, उसके बाद मैं आगे काम स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो ब्लॉग और अपलोड नहीं होगा टाइम पे। वैसे ही 1:30 बज चुका है, 2 बजे तक कैसे अपलोड करना है अपन को अपन जानते हैं। तो फिलहाल पहले तो मैं ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ, फिर मिलते हैं अपन। तो गाइज अपन तो नहा धो के हो चुके हैं तैयार, और एडिटिंग वेडिटिंग भी अपनी हो गई थी, फाइनली अपन ने ख़त्म कर चुके हैं एडिटिंग भी, और अब अपन ने पूरा रूम साफ कर लिया है। तो रूम दिखाता हूँ, ये देखो पूरा मैंने रूम साफ कर लिया है, और मेरी टेबल भी सब इधर उधर हो गई है। ये गोदरेज यहाँ रखी थी कोने में, तो इसको यहाँ रख दिया, और ये वाली टेबल यहाँ पर रखी थी तो इसको उठा के अपन ने यहाँ पर रख लिया, और उस पर अपनी पीसी मीसी रख लिया है। ये देखो तो ये अपन ने अपना लैपटॉप वैपटॉप सब यहाँ रख लिया, अपनी स्केच टेबल अपन ने यहाँ कर ली अब, और लाइट यहाँ पर लगा ली, तो अब इससे मस्त एकदम सही व्यू आएगा। और अच्छा रिकॉर्ड विकॉर्ड सब कैमरा वैमरा लगा के देख लिया था, रिकॉर्ड भी अच्छा हो रहा है, मतलब चमक नहीं रही है, तो वो भी मैंने ना देख लिया था। पूरा रूम साफ किया भाई, बहुत टाइम लगा रूम साफ करने में, लेकिन मैं बता रहा हूँ मज़ा आ गया। अब रूम अच्छा दिख रहा है पहले के मुकाबले, अब बाहर और काम चल रहा है। तो ये देखो बाहर अभी बगरोना पड़ी है पूरी, तो बाहर की भी सफाई हो रही है, आधी सी सफाई हो चुकी है। कि ये सामान है ना कल शिफ्ट करेंगे, रात के करने ही सोच रहे थे, लेकिन मैंने तो नहा लिया, तो अब तो इसको शिफ्ट नहीं कर रहे दुकान के अंदर, अब इसको सुबह ही डालेंगे। तो ये सारा सामान सुबह ही जाएगा, अभी तो नहीं डाल रहा अपन इसको। तो फिलहाल ये अपन तो थक चुके हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, घूम घाम के आते हैं अपन, देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग, है ना। चलो गाइस बाहर निकलते से ही काम मिल जाता है, जा रहे हैं भैया खाना उठाने, झोला उठाने जा रहे हैं। पापा ने रखा है आज बाजार था, तो बस तोलू और मैं जा रहा हूँ जल्दी से सामान उठा के ले आते हैं पहले तो अपन। तो गाइस वहाँ से तो फ्री होके अपन सीधा आ गए शादी में, तोलू और हम आ चुके हैं, भैया के कोई दोस्त की शादी थी तो उसमें आ गए। फिलहाल अभी पवन के घर पे गए थे, मेरे दोस्त के घर पे, वहाँ पर मिलने गए थे, तो अभी फिलहाल जा रहे हैं अपन सीधा शादी हॉल में ठूसने के लिए, क्योंकि और कुछ मतलब की चीज़ नहीं है अपने यहाँ पर सिर्फ ठूसने के अलावा। तो अभी चलते हैं ठूस के आते हैं। ये वाला है शादी हॉल है, चलते हैं अपन अंदर। तो गाइस शादी से तो अपन घर पे आ गए, वहाँ का मैंने शूट नहीं किया बिल्कुल भी, कोई मतलब नहीं था शूट करने से। और अभी फिलहाल तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पर कर रहा हूँ एंड, है ना, मुझे एडिटिंग भी करनी है, और अभी है ना आगे का स्केच का काम मैं कल ही स्टार्ट करूँगा, और परसों तो मुझे देना ही है, तो मतलब कल मैं फ्रेमिंग भी डालूंगा, मतलब तो कल देखेंगे अब जो भी होगा।
फिलहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पर करता हूँ, एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, सो टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।